सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो और आप देख रहे हो नौशाद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, फाइनली मेरे TVS रेडर 125 सीसी बाइक का सेकंड सर्विसिंग कराने का टाइम आ गया है। मुझे तो याद ही नहीं था कि मुझे सेकंड सर्विसिंग कराना है अभी, क्योंकि अभी मुझे 6 महीने हो चुके हैं बाइक को परचेज़ किए हुए, तो आज उसका डेट लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो अभी तो मेरी गाड़ी 3000 किलोमीटर चल चुकी है, तो किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो वो 55,500 से लेकर के 6000 किलोमीटर का सेकेंड सर्विसिंग था। और दूसरा होता है टाइम, टाइम के हिसाब से भी, जैसे सेकेंड सर्विसिंग था सिक्स मंथ के तक में, मतलब मुझे करा जाना है सेकेंड सर्विसिंग। इससे पहले जो मेरे पहले होंडा शाइन थी मेरे पास, तो उसमें 4 सर्विसिंग कराना पड़ता था। एक TVS रेडर को मैंने देखा है, जो ये कंपनी जो सिर्फ मुझे तीन ही सर्विसिंग देता है इसको फ्री सर्विसेज कराने का। पहला जो मैंने कराया था वो करीब 700 किलोमीटर चलाने के बाद कराया था। और अगर कॉस्ट की बात किया जाए तो मेरे होंडा शाइन और इस TVS रेडर 125 के मुकाबले में ये इसकी थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि उसको मैंने पहले जो कराया था तो उसमें मुझे सिर्फ 350-400 से में पहली सर्विसिंग हो गई थी, जबकि ये सर्विसिंग, इसकी पहली सर्विसिंग TVS रेडर की, मुझे करीब 1100 से 1200 रुपये तक का खर्च इसमें बैठ गया था। और अब देखते हैं कि सेकेंड सर्विसिंग में मुझे कितना खर्च बैठता है या क्या क्या कुछ इसमें करना पड़ता है। पहले सर्विसिंग में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ इंजन ऑयल चेंज हो जाता है, और उसमें इसीलिए फर्स्ट सर्विसिंग में कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो सेकंड सर्विसिंग होगा ये मेरे लिए इसमें कितना खर्च बैठता है, कितना कॉस्ट पड़ता है इसको सेकंड सर्विसिंग कराने में, और क्या क्या कुछ होता है इस सर्विसिंग में, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और अभी जो मैं इसको चला चुका हूँ 3000 किलोमीटर, तो ऐसे तो किलोमीटर के हिसाब से अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि डेट तो पूरा हो गया तो मुझे कराना ही पड़ेगा, तो मैं सेकेंड सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा सर्विस सेंटर और जो कुछ होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो मैं उसके अंदर का, तो सर्विस सेंटर के अंदर का तो मैं कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इनका कुछ पॉलिसी होगा, सो मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। तो इसके बाहर जो भी कुछ होगा मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो मिलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ TVS रेडर 125C के लिए TVS के सर्विस सेंटर में। तो मैं हो चुका हूँ थोड़ा लेट, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजने वाले हैं, तो मेरे से पहले बहुत सारे लोग आकर के अपने अपने सर्विसिंग के लिए यहाँ पर लाइन लगा चुके हैं। तो देखते हैं कि मुझे कितना समय लगता है। सो दोस्तों, एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैं थोड़ा हो गया हूँ लेट, क्योंकि जब मैं आया उस समय 12:30 के 2 पहर बज रहे थे, तो मुझसे पहले बहुत सारे लोगों के लाइन लगे हुए थे। लगभग मेरे से पहले 15 से 20 बाइक जो है वो लगी हुई थी सर्विसिंग के लिए। सो मुझे इन्होंने टाइम दे दिया है कि या तो आपको आज 5:30 से 6 बजे के बीच में मिलेगा, और अगर आज नहीं मिला तो आपको कल मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मुझे लगा कि 2 से 3 घंटे में सर्विसिंग हो जाएगा तो मैं लेके चल जाऊँगा, लेकिन अभी तक बुकिंग लेने के लिए कोई ये नहीं हो रहा है कि हाँ ऑर्डर, क्योंकि सर्विसिंग से पहले लोग ना पूरा ये करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मतलब ये सब चीज़ करने के लिए। तो उन्होंने अभी कोई तो ले नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ है, पहले से बहुत सारे लोग कराए हुए हैं, तो वो मुझे ना एक तरह से पेंडिंग के लिए मुझे रखा हुआ है, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ वेट करना होगा, या तो मैं इसको फिर आज नहीं तो मैं कल लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो क्लियर कर दिया या तो आज मिलेगा, अगर आज नहीं मिला तो फिर कल ही मिल पाएगा इसी तरह। लेकिन अगर मेरे पास बाइक नहीं रहेगा तो फिर मुझे दिक्कत भी होगा, तो किसी भी तरह से मुझे आज तो दिक्कत उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि आज मुझे नहीं कराना पड़ेगा। सो ये है मेरे सेकेंड सर्विसिंग का फर्स्ट डे, तो मैं तो सोच रहा था कि आज कंप्लीट करके मैं आप लोगों के सामने सारा फीडबैक जो है वो शेयर कर दूंगा, कि सर्विसिंग में क्या क्या होता है, कितना कॉस्ट पड़ता है, और क्या क्या चीज़ किया जाता है सर्विसिंग में। फर्स्ट सर्विसिंग में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग इसमें ज़्यादा होता है। इसमें तो 3 सर्विसिंग है,
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बाकी और सब में जैसे कि होंडा की, ग्लैम यूरो की, सब कंपनी में ना फोर सर्विसिंग मिलता है। तो ये तो हो गया एक प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो मुझे कल आना पड़ेगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब घर चल जाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो का मैं सेकेंड पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगा और आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसा रहा क्या। मैंने कॉस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने नहीं बताया एग्जैक्टली, वो बोले कि सारा चेकअप करने के बाद ही बता पाएंगे कितना कॉस्ट आएगा। तो अब तो मैं कल के सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखा पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर लाइक करते हैं तो हमको इसी तरह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़। What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know.